शिवपुरी में ब्रज की तर्ज पर लठमार होली का आयोजन। लठमार होली में पुरुष महिलाओं पर गुलाल फेंकते हैं और उसके बाद महिलाएं पुरुषों पर लठ मारती हैं। शिवपुरी शहर में यादव समाज द्वारा ब्रज की तर्ज पर लठमार होली का आयोजन राधा कृष्ण मंदिर परिसर में किया गया। यादव समाज के लोगों का मानना है कि इस तरह के आयोजन को निरंतर जारी रख सामाजिक समरसता और पुरातन परंपराओं के निर्वाह कर उन्हें जागृत रखा जाता है। इस लठमार की खास बात यह है कि इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनकर लठमार होली खेली जाती है। होली पर लठमार होली का आयोजन यादव समाज करता है और इसके लिए समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद रजपुरा रोड पर सभी लोग एकत्रित होते हैं और उसके बाद यह रंग गुलाल उड़ाया जाता है। उसके बाद इस होली का आयोजन किया जाता है जो देर रात तक आयोजित होती है और महिलाएं पुरुष पर लठ की बारिश करती हैं। लठमार होली के आयोजन को लेकर सबसे पहले समाज के बुजुर्गों को देवता बनाया जाता है। लठमार होली में पुरुष महिलाओं पर गुलाल फेंकते हैं। पुरुष समाज के वृद्ध को अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं और उसके बाद महिलाएं पुरुष पर लठ मारती हैं और उसके बाद पुरुष उन पर गुलाल फेंकते हैं। बलबीर सिंह यादव। अच्छा, ये यादव समाज में जो प्रोग्राम होता है, जो किस प्रकार क्या प्रोग्राम होता है? ये हमारे यादव समाज का झंडा होता है होली पर। कैसा प्रोग्राम होता है, किस प्रकार का होता है? तीज के दिन झंडा होता है पूरे समाज का। तो मतलब किस प्रकार की होली खेली जाती है इसमें? पूरा समाज की लेडी जेंट्स इकट्ठे होकर पूरी होली होती है उसको खेलती है। आप इस समाज के कौन हो? यादव। इस समाज के कौन हो? अध्यक्ष, मध्यक्ष, कोई तो हुए? कार्यकर्ता। सारे कार्यकर्ता। मतलब रंग गुलाल मुलाल किस प्रकार की, कैसी होली खेली? तो हम झंडा करते हैं करता, उसका पूरा रंग गुलाल पूरा यादव समाज से। मतलब आप झंडा करते हो, कितने झंडा करते हो? लठमार होली होती है, कौन से दिन होती है? ये तीज वाले दिन। ठीक है, धन्यवाद भाई। अच्छा, जो प्रोग्राम होता है किस प्रकार, कैसा प्रोग्राम होता है? हमारी बहुत पुरानी रीति है यादव समाज लोग की, वो भी लठमार होली खेली जाती है। मतलब वृंदावन में खेली जाती है, इस तरह से होली खेली जाती है। कहाँ से कहाँ तक होली खेली जाती है? लठमार होली खेली जाती है, इसमें रंग गुलाल वगैरह कुछ होता है।